स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। देश के विकास में इंडियन रेलवे का बहुत अहम योगदान रहा है और रेलवे के विकास में योगदान रहा तीनों गेजेस यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। कई लोगों के तो बचपन और जवानी के सुनहरे दिनों की यादें जुड़ी हैं इन ट्रेनों से, इसलिए पुरानी यादों को ताजा करने के लिए लोग तलाशते हैं कि आखिर कहीं तो वो पुरानी ट्रेन, वो पुरानी मीटर गेज वापस से आ जाए। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देश में अभी कहां कहां मीटर गेज और नैरो गेज ट्रेन चल रही हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि देश में कितने मीटर गेज रूट्स हैं जो अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं। गुजरात के वेरावल से अमरेली, जूनागढ़, दिलवाड़ा के लिए अलग अलग मीटर गेज ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं। ये तीनों रूट बहुत खूबसूरत हैं और अमूमन इसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती। तो आप आज भी मीटर गेज और गुजरात के गिर फॉरेस्ट का आनंद उठाना चाहते हैं तो ये रूट आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ मीटर गेज रेल मार्ग के द्वारा आप दमन दीव भी जा सकते हैं। इस रूट पर जो मैंने यात्रा की थी उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप जान सकते हैं कि ये रूट आखिर कैसा दिखता है। इसके बाद अगला मीटर गेज रूट आता है मावली से मारवाड़ का, जो राजस्थान के खूबसूरत अरावली पर्वत श्रृंखला से होते हुए गुजरता है। ये मार्ग लगभग 152 किलोमीटर का है। ये मार्ग भी इस साल के अंत तक बंद हो जाएगा, पर फिलहाल इस पर दो पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट होती है। इस रूट की भी यात्रा का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इस कड़ी में अगला मीटर गेज रेल मार्ग आता है मैलानी बहराइच रेल मार्ग, और ये रेल मार्ग गुजरता है दुधवा नेशनल पार्क से, जहाँ नसीब अच्छा होने से हाथी, टाइगर और इस तरह के कुछ जानवर आपको ट्रेन से ही देखने मिल जाएंगे। इसकी जर्नी का लिंक भी ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस यात्रा का अनुभव कर सकते हैं और इच्छा हो तो जाके यात्रा भी कर सकते हैं। अगले मीटर गेज रूट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो अभी विचाराधीन है, यानी ओमकारेश्वर से महो तक के बीच चलने वाली मीटर गेज के अंत के बाद अब इंडियन रेलवे प्लान कर रही है पाताल पानी से कालाकुंड तक एक मीटर गेज ट्रेन चलाने का, जो कि एक टूरिस्ट स्पेशल रहेगी। तो फिलहाल इस रूट पर अभी तो कोई ट्रेन नहीं चलाई गई है, पर आने वाले कुछ दिनों में इस पर ट्रेन अवश्य ही चलाई जाएगी। तो फिलहाल इंतजार करिए और अगर ये रूट चालू होता है तो आपका नोमैडिक भाई तो है ही आपको अपडेट करने के लिए। अंत में मीटर गेज रूट्स में आता है नीलगिरी रेलवे, जहां मेतुपलयम से उदग मंडलम तक मीटर गेज मार्ग पर मीटर गेज की टॉय ट्रेन चलती है। यहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक नैरो गेज ट्रेन है, पर दोस्तों ये नैरो गेज ट्रेन ना होकर एक मीटर गेज ट्रेन है। इसमें कुन्नूर से उदग मंडलम तक YDM4 अपनी सेवाएं देता है, जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार पर चलता है। साथ ही साथ पूरे देश में एकमात्र मीटर गेज का वर्किंग लोकोमोटिव एक्स क्लास इस रूट पर ऑपरेट होता है। तो ये तो थे कुछ मीटर गेज रूट्स जहां पर ट्रेन अभी भी चल रही हैं, और ये कब बंद हो जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि नीलगिरी माउंटेन रेलवे अभी चलेगी। ये सभी मीटर गेज रेल मार्ग बेहतरीन है, तो मैं ये कहूंगा कि जाइए और आनंद लीजिए प्रकृति के खूबसूरत नजारों का। अब बात करते हैं उन बचे हुए नैरो गेज रूट्स की जो अभी भी चल रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करें तो बिलीमोरा से वघई के बीच चलने वाली नैरो गेज, जो कि 2 फीट 6 इंच की नैरो गेज में यात्रा करती है और 63 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरा करती है, एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो प्लेन एरियाज में चलने वाली एक नैरो गेज ट्रेन है। इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच भी लगता है। इसके अलावा धौलपुर नैरो गेज मार्ग जो थोड़े दिन पहले तक चला करता था, उसे अभी हाल ही में गेज कन्वर्जन के लिए बंद कर दिया गया। आने वाले दिनों में ये रेल मार्ग भी शायद बंद कर दिया जाए। तो आपको इंडियन रेलवे के पुराने दिनों में यात्रा करना है तो आप इस रेल मार्ग को जरूर चुन सकते हैं। फिर आता है कांगड़ा वैली रेलवे, जहां जोगिंदर नगर से पठानकोट के बीच का रेल मार्ग 2 फीट 6 इंच की पटरियों पर चलता है। यहां पर अच्छी संख्या में ट्रेनों का संचालन होता है, पर फिलहाल इस रेल मार्ग पर चक्की ब्रिज के टूट जाने के बाद ट्रेनों का संचालन नूरपुर रोड से जोगिंदर नगर के बीच हो रहा है। इस रूट की भी यात्रा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। फिर आता है कालका शिमला नैरो गेज रूट, जो कि कभी 2 फीट के ट्रैक पर ऑपरेट होता था, पर आजादी के काफी पहले 2 फीट 6 इंच के मार्ग पर ही ऑपरेट होने लग गया था। इस पर भी ट्रेन्स की भरमार है, जहां आप इंडियन रेलवे की साइट पर जाके टिकट बुक कर सकते हैं और इस यात्रा का लुत्फ ले सकते हैं। अंत में आते हैं दो रेल मार्ग जो 2 फीट के ट्रैक पर ऑपरेट होते हैं, जो कि है नेराल मथेरन और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में तो आज भी 100 साल पुराना बी क्लास स्टीम लोकोमोटिव और NDM-6 आज भी ऑपरेट होता है। बात करें पिछले 10 सालों की तो बड़े ही ऐतिहासिक मीटर गेज और नैरो गेज रूट्स खत्म हो चुके हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से रूट्स खत्म हुए हैं उसका भी जिक्र हम करें, तो मैं उस पर भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूं अपनी किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी, किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।